नमस्कार। क्या आपके मन में भी कभी सवाल आता है, बाइक्स में हमेशा पेट्रोल इंजन ही क्यों आता है, डीजल इंजन क्यों नहीं आता, और बड़े व्हीकल्स जैसे ट्रक ट्रैक्टर इनमें हमेशा डीजल इंजन ही क्यों आता है, पेट्रोल इंजन क्यों नहीं आता? और पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में ऐसा क्या है जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है? तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ। यकीन मानिए, वीडियो के ख़त्म होते होते आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके मन में हैं उनके सारे जवाब मिलने वाले हैं। और अंत में यदि आप वीडियो को आखिरी तक देख पाए तो आपको एक की फैक्ट जानने को मिलेगा जो कि इस टॉपिक से रिलेटेबल है और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर जानने से पहले आपको इंजन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है और आपको ये भी जानना जरूरी है कि इंजन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर इंजन होता क्या है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो इंजन एक मशीन है जो फ्यूल से निकलने वाली केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दूसरी चीज़, अगर इंजन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इंजन के अंदर सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर आपको पिस्टन, दो वॉल्व, फ्यूल इंजेक्टर, और वहीं पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग और डीजल इंजन में आपको विथाउट स्पार्क प्लग कुछ भी देखने को नहीं मिलता। यह पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। क्योंकि दोनों ही इंजन में फ्यूल का कम्बस्टन सिलेंडर के अंदर होता है, इसीलिए दोनों ही इंजन को इंटरनल कम्बस्टन इंजन बोला जाता है। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पर जानना जरूरी है कि स्ट्रोक क्या होता है और कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, बाइक्स में टू स्ट्रोक इंजन आता है और जनरली जो बड़े व्हीकल्स होते हैं कार्स वगैरह में फोर स्ट्रोक इंजन आता है। तो पिस्टन के मूवमेंट के आधार पर स्ट्रोक कुछ भी नहीं, केवल पिस्टन का ऊपर या नीचे एक बार जो मूवमेंट होता है उसे स्ट्रोक कहा जाता है। दूसरी चीज़, यदि कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो कंप्रेशन रेशियो किसी भी इंजन की क्षमता होती है कि वो एयर को किस हद तक कंप्रेस कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये एक सिलेंडर है और इसकी कैपेसिटी है ये 10 यूनिट एयर को इसके अंदर ले पाता है, और 10 यूनिट एयर को लेने के बाद ये इसे कंप्रेस करके एक यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, तो इस इंजन का कंप्रेशन रेशियो हुआ 10:1 का। अब यदि मैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में मेन डिफरेंस की बात करूं तो वो इसमें फ्यूल इनपुट के तरीके को लेकर है। दोनों ही में अलग अलग तरीके से फ्यूल इनपुट दिया जाता है और इन्हें कंबस्टन करने के लिए पेट्रोल इंजन में आपको एक स्पार्क प्लग देखने को मिलता है और डीजल इंजन में स्पार्क प्लग देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि आपको बताया, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो हमेशा ज़्यादा होता है और पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो हमेशा कम होता है। इस कारण इसका सिलेंडर भी छोटा होता है और सेम इंजन में डीजल इंजन का सिलेंडर बड़ा होता है। अब कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने के कारण एयर काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस होती है और कंप्रेस होने के कारण गर्म होती है, और गर्म होने से डीजल अपने आप ही जल जाता है। वहीं पेट्रोल को जलाने के लिए एक स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है और स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलने के बाद पेट्रोल अपने आप ही जल जाता है। तो यही एक मुख्य अंतर है जो पेट्रोल इंजन को डीजल इंजन से अलग बनाता है। अब यह जानने के बाद भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस हो गया, लेकिन बाइक्स में पेट्रोल इंजन ही क्यों आता है, डीजल इंजन क्यों नहीं आता, इस सवाल का जवाब कहाँ मिला? निश्चिंत रहिए, मैं इस सवाल का जवाब अभी दे देता हूँ कि बाइक्स में यदि डीजल इंजन देने लगे तो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जैसा कि आप देख सकते हैं हमेशा ज़्यादा होता है, और कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने के कारण डीजल इंजन में पहली चीज़ तो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा आती है, दूसरी चीज़ उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई हो जाता है। अब बाइक्स का यूज़ नॉर्मल आपको कम्यूट करने के लिए यूज़ होता है, और दूसरी चीज़ बाइक्स काफ़ी सस्ते प्राइस में अवेलेबल्स होती हैं अधिकतर बाइक। तो यदि बाइक में डीजल इंजन दिया जाए तो उसका जो की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम देना पड़ेगा और साथ ही साथ बहुत ही हैवी, और जो हार्शनेस है डीजल इंजन की वो बाइक नहीं सहन कर पाएगी और उसमें वियर एंड टीयर बहुत जल्दी होने लग जाएगा। बहुत कम ही बाइकें ऐसी जो डीजल में सक्सेस हो पाई हैं। रॉयल एनफील्ड ने शायद एक बाइक निकाली थी जो सक्सेस हुई थी, उसके बाद से अभी तक डीजल में शायद कोई बाइक नहीं आई है। दूसरे सवाल की ओर अगर हम बढ़ें तो दूसरा सवाल ये है कि भाई चलो माना कि
बाइक्स में डीजल इंजन नहीं दे सकते, लेकिन पेट्रोल इंजन तो हार्श नहीं होता, वो तो बड़े उसमें बड़े व्हीकल्स में दिया जा सकता है, लेकिन बड़े व्हीकल्स में हमेशा पेट्रोल इंजन क्यों आता है? तो जो बड़े व्हीकल्स हैं उनमें इनिशियल टॉर्क की ज़रूरत होती है। इनिशियल टॉर्क मतलब ये लोड पे चलने के लिए बने हुए होते हैं, और लोड पे चलने के लिए आपको इनिशियल टॉर्क की ज़रूरत होती है, जो कि पेट्रोल इंजन में कम होता है, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो कम होता है, और कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने के कारण डीजल इंजन में आपको पेट्रोल के मुकाबले इनिशियल टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलता है। और डीजल इंजन यदि आप में से किसी ने चलाया है तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, डीजल इंजन का जो पिकअप है वो पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस कारण इनिशियल टॉर्क के कारण आपको बड़े व्हीकल्स जैसे ट्रक ट्रैक्टर इनमें डीजल इंजन ये देखने को मिलता है, पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलता। अगली चीज़ की अगर बात करूँ तो आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई डीजल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होते हैं पेट्रोल इंजन के मुकाबले। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने के कारण डीजल उसमें अपने आप ही बर्न होता है और कम मोमेंट में ही वो ज़्यादा पावर निकाल कर दे देते हैं। सेम टाइम यदि 1 लीटर का डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो डीजल इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वहीं पेट्रोल इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन डीजल इंजन की जो मेंटेनेंस है वो हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि डीजल इंजन में हार्शनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, उस कारण वियर एंड टीयर गाड़ी में वो ज़्यादा देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ने डीजल इंजन की लाइफ 10 साल और वहीं पेट्रोल इंजन की लाइफ 15 साल क्यों डिसाइड करी है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूँ, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल हैं, और कोई भी इंजन चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो 10 या 15 साल से कहीं ज़्यादा चल सकता है अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करी जाए। आपने देखा होगा कई ट्रक्स 20-30 साल तक चलते रहते हैं और उसमें कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करता है। पेट्रोल इंजन की जो रजिस्ट्रेशन की लाइफ है एक बार में 15 साल मिलती है, उसका कारण ये है कि पेट्रोल इंजन की मेंटेनेंस कम रहती है और उसमें वियर एंड टीयर कम आते हैं, इस कारण जनरली उसे 15 साल तक चलाया जा सकता है। वहीं डीजल इंजन की बात करें तो उसमें हार्शनेस ज़्यादा रहती है, लेकिन 10 साल के बाद यदि आप उसका प्रॉपर फिटनेस स्टेट के RTO के सामने अगर शो करें तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी को बढ़ा देता है। तो ये थी पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में कुछ जानकारी। लास्ट में अगर मैं की इफेक्ट की बात करूं तो जो रेसिंग कार्स होती है, क्या आपको पता है उनमें किस कौन से फ्यूल का यूज़ होता है? आपको एक हिंट देता हूं, रेसिंग कार्स में दोनों ही टाइप के फ्यूल का यूज़ नहीं होता है, उनमें एक अलग ही फ्यूल का यूज़ होता है। दोनों ही टाइप मतलब पेट्रोल और डीजल से है मेरा मतलब। अब वो क्या फ्यूल यूज़ होता है यदि आपको पता है तो आप कमेंट में जवाब दें, नहीं पता है तो आप जाके गूगल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।